नमस्ते जी, मेरे आप ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपका सिकरान चद्दर, तो मेरे YouTube का नाम है अनस अली चद्दर। तो गाइज आज हम फिर अब एक ब्लॉग बनाने वाले हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का दबाना ना भूलिए, और हमारे चैनल पर जो न्यू है प्लीज़ लाइक करें। तो गाइज हम ये देख सकते हैं हमारा बाग है, तो हम आज बाग फिरेंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या क्या नायाब चीज़ें हैं, देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो गाइज ये देखते हैं, वे चीमा साहब आए हुए हैं साढ़े को, बैठे हुए हैं। तंदूरी साहब की हाल है जी, ठीक हो? हाँ जी ठीक है। आपका बाग दिखाते हैं, ये साड़ा गार्डनर है, ये छोटा सा कमरा बनाया हुआ है, इसके अंदर फिटर रखा हुआ है। अगर खुदाना खास्ता अगर बारिश हो जाए पानी लगाते हुए, तो उसके अंदर बैठ उठ सकता है इंसान, मंजी भी डाल के सो सकता है। और आपका मुकम्मल जो सा बाग है वो इस तरफ है, ये छोटा सा बाग है, 5 किलो में आता है, 5 किले जो है ना, 5 किले, ये 5 किलो में आता है। ये देखो सारे अमरूद लगे हुए, इसके अंदर गाचा बीजा हुआ है, मकई। आए हम आपको बनार दिखाते हैं, ये देखो सारा अमरूद है, इसमें सबसे ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा। और वो केला भी लगा हुआ है, उसके ऊपर केले उगते हैं, इंसान लेकर चले जाते हैं। और ये देखें अमरूद हैं, वो गाँव के बच्चे आते हैं और यहाँ से तोड़ के ले जाते हैं, अब पैरा लगता है यहाँ पे, इंसान आते हैं। ये जिसकी जगह है वो पुलिस ऑफिसर है। आए ये देखिए, अब इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं, ये गाचा, ये देखिए अमरूद, अब आज ये देखिए छोटे छोटे हुए हैं, ये थोड़ी देर बाद पक जाएंगे, थोड़े दिनों बाद। ये अनार है, ये देखिए अनार लगा भी हुआ है, ये देखिए ये नार लगा हुई है, सारा दरख दिया उनसे नार का है, उसके आगे भी लगे हुए हैं नार। आए ये देखो, और उसके अंदर मीठे जो से होते ना, मीठे इंसान का बुखार जब चढ़ता है तो मीठे खाते हैं, उतर जाता है, वो भी लगे हुए हैं। उसका पौधा उधर वाली साइड पे है, ये देखें, ये देखें कितने कितने नार लगे हुए हैं, ये देखें, ये देखें। अभी तो बस 2-3 बच्चे हैं, बाकी सब लोग उतार के ले गए हैं। आए आगे दिखाते हैं, ध्यान के साथ आना, अभी फिलहाल अमरूद ही आ रहे हैं। ये भी मीठे हैं, अभी फिलहाल इसके ऊपर वो देखें, ये देखे लगा हुआ है, ये जब पक जाएंगे इसको सेल कर दिया जाएगा। आगे आज देखिए बादल जब बादल सा बना हुआ है, बारिश का काम हमने कहा एक वीडियो बना ले, ठंडा मौसम हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये देखे ये तो मुकम्मल भरा हुआ है, ये देखे मुकम्मल सारा आल टू आल सारा मुकम्मल भरा हुआ है, और इसके आगे भी है, ये देखे छोटा, ये देखे गर्मी में जो से नींबू नींबू होते हैं ना नींबू, ये देखे ये नींबू है, ये देखे ये नींबू है, इसको स्पंजी बना कर पीता है इंसान। आए आगे दिखाते हैं, ये भी मीठे हैं, ये देखे इनका साइज देखे, इधर अंदर से दिखेगी ऐसे किसी ने कुछ किया होगा, प्रकार के साथ गोल किया हुआ है। और ये हमारे टाली आ गई है, अब टाली लगाई हुआ है, साथ में अमरूद आ गए हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा दूर है, ये तो अभी छोटा सा ना, अभी इधर वाली साइड पे है, आगे बहुत ज़्यादा लंबा है, वो देखिए टाली नज़र आ रही होगी आपको, उससे आगे एक किला है पर इस साइड पे है, ये देखिए छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं। ये देखिए ये अमरूद लगे हुए हैं, जाने के साथ उनके जो यहाँ पे गांव के बच्चे होते हैं ना, वो अपना अपना दरख्त ना कहते हैं, ये हमारा दरख्त है, हम भी यहाँ से उतारेंगे। वो जो सा छोटा सा होता है उसकी निगरानी रखते हैं छोटे छोटे बच्चे, फिर वो तोड़ के ले जाते हैं ऊपर, जो से जिन्होंने ख़रीदा हुआ है ये बाग उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है,
क्योंकि उन्होंने लाख लाख डेढ़ लाख रुपया लगा के ये पौधे सारे लिए हैं, उनसे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये देखें ये नींबू है, फिर आ गया नींबू। अगर जो यहाँ पर जौन से बच्चे रहते हैं उनको तो कोई कमी नहीं होगी नींबू की, शिकवंजी पी रहे होंगे। अगर कोई घर में मेहमान आ गया यहाँ पे आ गए नींबू तोड़ लगे आ गए। अब मुकम्मल बड़े बड़े पौधे आ गए हैं। ये भी देखो ये भी मीठे वाला है, मीठा जौन सा होता है मीठा, वो वाला पौधा है। यहाँ पे बस तीन चार किस्मों के पौधे लगे हुए हैं, जामन लगा हुआ है, ये लगे हुए हैं अमरूद, मीठा लगा हुआ है, केले लगे हुए हैं और नींबू लगा हुआ है बस। और आगे एक बेरी आती है, पारी बेरी आती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और घंटी के निशानों को दबाना मत भूलें। आप सबका शुक्रिया, खुदा हाफिज़।